नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, हमारी जितनी भी फ्रंट व्हील ड्राइव कार होती है उनमें एक प्रॉब्लम आता है। जो हमारी कार है तो सीधी चलाते हो तो एकदम प्रॉपरली चलती है, और जब टर्न लेते हो तो राइट साइड से या फिर लेफ्ट साइड से कट 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 ऐसे करके आवाज़ आता है। तो सबसे पहले वो आवाज़ किस तरह आता है वो सुनिए। तो जैसा कि मैंने बताया आवाज़ आ रहा है, तो देखो अभी हम फुल टर्न मार के देखेंगे। ठीक है, थोड़ा भी टर्न मारा तो भी आता है, फुल टर्न में ज़्यादा आता है आवाज़। ठीक है, और अभी मैं लेता हूँ गाड़ी, आवाज़ सुनिए, कट 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 करके आवाज़ आता है। ये देखो, जैसे सीधा करूँ गाड़ी तो आवाज़ चला जाता है। तो इस तरह आवाज़ आए, राइट टर्न लो या फिर लेफ्ट टर्न लो, आवाज़ आता है दोनों टर्न पे। और जो आवाज़ आ रहा है हमारा वो लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो अभी हमें लेफ्ट का व्हील वगैरह खोलना पड़ेगा। तो ये जो आपने आवाज़ सुना, ये आवाज़ असल में होता है ड्राइव शाफ्ट का। इसको हम एक्सल भी कहते हैं, जो गाड़ी का ड्राइव शाफ्ट होता है, या फिर हम इसे लोकल लैंग्वेज में एक्सल कहते हैं। उसका काम क्या होता है, जो गेयरबॉक्स से जो पावर आती है वो व्हील तक पावर पहुंचाने का उसका काम होता है। और इसमें सीवी जॉइंट्स लगे होते हैं, और मतलब बेरिंग की तरह होते हैं वो, उसमें बॉल्स वगैरह रहते हैं। जब वो ख़राब हो जाते हैं, प्ले आ जाता है या फिर उसमें पानी जाता है, तो ये जो बॉल्स है या फिर सीवी जॉइंट है वो ख़राब हो जाते हैं और आवाज़ करने लगते हैं। तो अभी हमारा ड्राइव शाफ्ट है वो हमें बाहर निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक्सल का जो मेन नट होता है बीच का वो निकाल दिया। इसके बाद शॉक एब्जर्वर के नट बोल्ट निकाल दिए। इसके बाद जो हमारा लिंक रॉड होता है उसके नट भी निकाल दिए। तो अब हमारा जो ड्राइव शाफ्ट है ये एक तरफ से हम पहले निकालते हैं, इसके बाद दूसरे तरफ से निकाल लेंगे। तो थोड़ा जाम रहेगा तो थोड़ा सा मार के निकालना है। ठीक है, ये देखो ये इस तरह बाहर आ जाता है। ठीक है, वो हमारा एक तरफ से बाहर आ गया। दूसरी तरफ से कैसे निकालना है मैं दिखाता हूँ, क्योंकि दूसरी तरफ थोड़ा मतलब कंजेस्टेड एरिया है। इस तरह गेयर बॉक्स में लगा रहता है ये, और ये इसका लॉक होता है। ये देखो, ये दूसरा नया वाला शाफ्ट है। ठीक है, तो गेयर बॉक्स और ये शाफ्ट के इधर ऐसा स्क्रू ड्राइवर डाल के थोड़ा सा ऐसा स्क्रू ड्राइवर पटक के इसको बाहर खींचना है, एकदम इजीली वो आ जाता है। तो इसी तरह मैं गाड़ी के नीचे जाकर वो निकाल देता हूँ। तो ये देखो, पुराना जो ड्राइव शाफ्ट था वो हमने निकाल दिया। तो निकालते हो तो थोड़ा सा गेयरबॉक्स का ऑयल गिरता है यहाँ से, मतलब इधर ऑयल सील होता है वहाँ से, तो नीचे कुछ रखना है कलेक्ट करने के लिए, और बाद में ऑयल आप टॉप अप कर सकते हो या फिर वही ऑयल फिल्टर करके गेयरबॉक्स में डाल सकते हो। लगभग आधा लीटर के आसपास ऑयल बाहर आता है गेयरबॉक्स से। ठीक है, तो वो हमने ऑयल कलेक्ट किया। ठीक है, इसके बाद ये निकाल दिया। इसके ऊपर ये डस्ट कैप रहते हैं इस तरह, ठीक है, वो भी हमने निकाल दी। वो अब हम नए में लगाएंगे साफ करके। जब हम कार रिपेयर करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके स्पेयर पार्ट। तो स्पेयर पार्ट मिलना बहुत सी बार मुश्किल होता है, बहुत सी बार जो स्पेयर पार्ट है वो बहुत महंगे मिलते हैं, या फिर ओरिजिनल का पूछो ही मत, ओरिजिनल स्पेयर पार्ट मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम जितने भी स्पेयर पार्ट जो मंगाते हैं उसमें मोस्टली जो स्पेयर पार्ट है वो बुड़मो ऐप से मंगाते हैं। बुड़मो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे भी किसी भी कार के कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इसमें आपको ओरिजिनल चाहिए तो एकदम जेन्युइन ओरिजिनल 100% ओरिजिनल स्पेयर पार्ट मिलेंगे। आपको आफ्टर मार्केट चाहिए या फिर OES चाहिए तो वो भी स्पेयर पार्ट आपको बुड़मो पे मिल जाएगी। और इस ऐप पे आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने कार का OEM कैटलॉग देख सकते हैं, उसमें कौन से पार्ट का क्या पार्ट नंबर रहे, कौन सा पार्ट किधर बैठा हुआ है, उसका लोकेशन क्या है, ये देख सकते हो। इसके बाद उसकी प्राइस देख सकते हो, और आपको चाहिए तो वो मंगा भी सकते हो। मोस्टली जो जितने भी स्पेयर पार्ट है वो 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाते हैं, और डिलीवर हो जाने के बाद भी अगर वो पार्ट आपको पसंद नहीं आया, नहीं चाहिए, कुछ भी रीज़न हो, आपको रिटर्न करना है, तो वो रिटर्न भी कर सकते हो और अपना रिफंड ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा बुड़मो ऐप है। तो उस ऐप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उनकी वेबसाइट भी है, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो लगाने से पहले थोड़ी बात करते हैं, ये जो एक्सल है ये गया क्यों इतनी जल्दी, क्या रीज़न है ये एक्सल जाने का या फिर ड्राइव शॉप जाने का। तो ये देख सकते हो आप, पहले भी रिपेयर हुआ है या फिर इसके जो बूट है वो चेंज हो गए है। ठीक है, और ये देखो इसमें प्ले देखो कितना है, मतलब इतना इधर गैप है, और बारिश के मौसम में ये जाते हैं ऐसा होता है, तो बूट पट्टा है या फिर अगर प्रॉपर रिपेयर नहीं करते, प्रॉपर बूट नहीं लगाते। और ये बूट लगाए देखो कैसे जिप टाई से लगाया है, जिप टाई से कभी भी नहीं लगाना है, ये जैसे प्रॉपर पैकिंग है वैसे लगाना है। तो इस पर भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊँगा आपको कि किस तरह बूट वगैरह चेंज करना है, ठीक क्या क्या ध्यान रखना है। इसके अंदर जो ग्रीस होता है वो भी अच्छी क्वालिटी का आपको लगाना पड़ता है। तो ये अगर नहीं होता तो सक्सेस नहीं होता रिपेयरिंग, थोड़े दिन चलता है
और बाद में प्रॉब्लम रहता है। तो इसका भी मैं खोलने से पहले ही आपको बता देता हूँ, इसमें जो प्रॉब्लम रहा होगा ये बारिश का पानी जाने के कारण रहा होगा। ये देखो, ये रही देख सकते हो आप, ये पानी लगने के कारण है और अंदर बूट में भी पानी है, ये देखो। तो ये जो गया वो पानी लगने के कारण ही गया, और जिसने भी ये बूट वगैरह बदला उसने प्रॉपरली नहीं ये किया सब, इसमें जो जिप टाई से लगा दिया और काम निपटा दिया, ऐसा हुआ। मतलब किसी को मैं रॉन्ग नहीं बोलता, क्योंकि बहुत से लोगों को ये प्रोसीजर मालूम नहीं होती, बहुत से लोग ये जिप टाई से ही लगाते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर अगर करना है, लाइफ टाइम काम करना है, मतलब एकदम प्रॉपरली नए जैसा चलना चाहिए, आपका पुराना भी एक्सेल है या फिर ड्राइव शाफ्ट है, तो एकदम प्रॉपर ही जो कंपनी क्लिप यूज़ करती है वही यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसके कारण ये हमारा ड्राइव शाफ्ट है वो गया, पानी का ही कारण है उसमें, दूसरा कोई कारण नहीं है। तो दूसरी कारण होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पानी से ही जाता है, मतलब ज़्यादा ज़ोर से आप गाड़ी उठाते हो, मतलब पूरी रेस करके क्लच छोड़ते हो वगैरह, तो बहुत से कारण होते हैं, अगर गड्ढे में वगैरह पटक जाती है गाड़ी तो भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मेजर कारण, इसमें यही कारण था कि पानी के कारण ये गया है। जो ड्राइविंग शाफ्ट लगाना एकदम आसान काम है, सिर्फ गियर बॉक्स में ये जो उस साइड का शाफ्ट है इनसाइड का वो अंदर डालना है, ठीक है, और ये शाफ्ट इधर से अंदर डालना है, थोड़ा सा ग्रीस लगा के लिया इसमें, ठीक है, ताकि एकदम आसानी से बैठे, ठीक है। और इस तरह आप प्रेस करोगे ना तो अंदर जाएगा, देखो इस तरह भी देखो एकदम प्रॉपरली बैठ गया है अंदर से। तो इस तरह एकदम आसान है, अभी इधर नट वगैरह लगा देंगे, ये जो शॉक अब्जॉर्बर के नट वगैरह हमने खोले थे वो सब लगा देंगे, तो इससे जो हमारा एक्सल है या फिर ड्राइव शाफ्ट है एकदम प्रॉपरली बैठ जाएगा। तो ये सब निकाला है मैंने, शॉक अब्जॉर्बर के नट है या फिर ब्रेक कैलिवर के नट है, ये हमारे लिंक रॉड के नट है, वो सब लगा देता हूँ और आपको फाइनल दिखाता हूँ। अभी देखो पूरा एक्सल वगैरह हमने फिट कर दिया, इसके बाद जो गेयरबॉक्स में ऑयल निकला था वो गेयरबॉक्स में ऑयल भी डाल दिया, सब जो नट वगैरह थे वो पूरे टाइट कर दिए, जो ब्रेक कैलिपर वगैरह निकाला था वो पूरा टाइट कर दिया, ये नट हमने टाइट किया और वो लॉक करना पड़ता है तो वो लॉक भी कर दिया इधर से। तो अभी पूरा मतलब हमारा जो एक्सल का फिटिंग है कम्प्लीट हो गया, अभी टायर लगाते हैं और ट्रायल लेके देखते हैं जो प्रॉब्लम आपने देखा था वो अभी सॉल्व हो गया है या अभी है। तो अभी सब फिटिंग वगैरह कर दिया, अभी इधर देखो इधर स्कूल है, इसके ग्राउंड पे आए हैं हम, ठीक है, और अभी फुल टर्न लेके घुमा के दिखाता हूँ आपको, पहले तो आपने देखा था कि आवाज़ कर रहा था, पूरा गोल गोल घुमा के दिखाता हूँ, ये देखो मतलब कुछ भी आवाज़ ज़रा भी नहीं, कट 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 ऐसा ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रहा, उस साइड से टर्न लेके भी दिखाता हूँ। तो ये हमने लिया है राइट टर्न और लेफ्ट टर्न लेके भी दिखाता हूँ, लेफ्ट टर्न में भी आवाज़ नहीं कर रहा है, एकदम प्रॉपर हो गया है अभी का, जो हमारा एक्सल का आवाज़ था वो मतलब पूरा ख़त्म है अभी, ठीक है। तो अभी फिर से चलते हैं घर में, ठीक है, और मतलब जो हमने काम किया एक्सल का एकदम प्रॉपरली हो गया, और जो फॉल्ट आपको दिखाया था एक्सल का ही फॉल्ट था, इधर स्पीड ब्रेकर है बड़ा इसलिए इस तरह जाना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक्सल का ही प्रॉब्लम होता है, जब भी ये पुल टर्न में कट 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 ऐसा आवाज़ आए तो 100% समझ जाना है कि एक्सल का आवाज़ है, राइट साइड से आए तो राइट साइड का एक्सल, लेफ्ट साइड से आए तो लेफ्ट साइड का एक्सल, इसमें कुछ मतलब चेक करने जैसी बात नहीं, सिर्फ आवाज़ से ही पता चल जाता है, ठीक है। और पहला वाला एक्सल भी मैंने आपको दिखाया था किस कारण गया था, पानी गया था इसके कारण वो भी ख़राब हो गया था। तो आपकी कार का भी एक्सल है तो उसका भी आपको चेक करना है कि बूट तो फटा नहीं है या फिर उसमें मतलब लूज नहीं है ना कोई, किधर पानी वगैरह जाने की जगह नहीं है ना, ये सब चेक करना है, तो एक्सल की लाइफ आप बढ़ा सकते हो या फिर एक्सल ख़राब होने से बचा सकते हो। तो इस तरह जो एक्सल का काम है एकदम प्रॉपरली हो गया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।